वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के मामले में ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि कौन किसके साथ खड़ा है और कौन किसकी मुखालिफत में खड़ा है, क्योंकि कुछ कंट्रीज सियासी तौर पर एक दूसरे के दुश्मन हैं और वही कंट्रीज वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जबकि इसके बरक्स कुछ कंट्रीज सियासी एतबार से एक दूसरे के साथ खड़े हैं और वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के मामले में ये कंट्रीज एक दूसरे के मुखालिफत में खड़े हैं। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का चाइना ने ऐलान किया था तो शुरू में बहुत से कंट्रीज इसके मुखालिफत में खड़े हो गए थे। मिसलन चाइना का सबसे बड़ा हरीफ इस खित्ते में सबसे पहले हिंदुस्तान इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़ा हुआ। इसके साथ ही अमेरिका और जापान ने भी दबे दबे लहजे में हिंदुस्तान का साथ दिया, लेकिन चाइना को शायद इस बात का अंदाजा था कि इस लॉलीपॉप को खाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता सबका मन करेगा और ऐसा ही हुआ। चाइना के ऐलान करदा इस प्रोजेक्ट में अब तक तकरीबन 60 कंट्रीज ने शमूलियत अख्तियार की है और वन बेल्ट वन रूट के प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान खुद भी शामिल है। ये रूट चाइना से बांग्लादेश और बांग्लादेश से हिंदुस्तान तक जाएगा। वन बेल्ट वन रूट के इस प्रोजेक्ट का नाम है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के फोरम पर नजर डालें तो एक अजीब व गरीब कॉम्बिनेशन है। मिसलन वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट जो पाकिस्तानी पार्ट है सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, चाइना के बाद जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो है सऊदी अरेबिया, जबकि सियासी मामला में सऊदी अरेबिया ने हमेशा चाइना और पाकिस्तान के बजाय अमेरिका का साथ दिया। इसी तरह हिंदुस्तान और रूस इस खित्ते में हमेशा से दोस्त और पाकिस्तान और चाइना के हरीफ रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से रूस को अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से निकाला था। इस वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जितनी भी जंगें हुई हैं इनमें रूस ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है, लेकिन इस सीपेक के मामले में रूस ने हिंदुस्तान की मर्जी के खिलाफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर चुका है और हिंदुस्तान के साथ बरसों की दोस्ती तोड़कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने अशगीबाद एग्रीमेंट ज्वाइन कर चुका है और ये इन तमाम कंट्रीज के साथ सियासी ताल्लुकात बढ़ा रहा है जिन्होंने रूस से आज़ादी हासिल कर लिया। इसके अलावा अमेरिका हर इस कंट्री पर पाबंदियां लगाता है जो ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर अमेरिका का मेन अलाई हिंदुस्तान ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है और अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कम करने के बजाय पहले से ज्यादा मजबूत किए। इस वन बेल्ट वन रूट के प्रोजेक्ट में वो तमाम कंट्रीज भी शामिल हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन से यानी रशिया से आज़ादी हासिल की है। हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा न रहे, मगर वो खुद इस वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे। इसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की आलमी मंडियों तक की रसाई रोक रखी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को चाबहार जैसे पोर्ट डेवलप करने की जरूरत पेश आ रही है। इसके बाद भी हिंदुस्तान को सेंट्रल एशिया की मंडियों तक रसाई हासिल करने के लिए पाकिस्तान का अवॉइड करते हुए एक निहायत ही लंबा फासला तय करना पड़ता है, वो रास्ता ये है। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान ये अलाउ करे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को अवॉइड करने के बजाय सीधे पाकिस्तान को क्रॉस कर सकता है तो हिंदुस्तान की जो ये सेंट्रल एशिया की मंडियां हैं इन तक रसाई का रास्ता निहायत ही आसान और इफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान शुरू से ही एक दूसरे के मुखालिफत करते रहे जिसकी वजह से ट्रेड की मद में पाकिस्तान के निस्बत हिंदुस्तान को इस लंबे रूट की वजह से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी रिसेंट एग्जांपल ये है कि जब पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद करने का फैसला किया था तो इस रीजन से जितनी भी फ्लाइट्स हिंदुस्तान आती या जाती थी इनके हर पैसेंजर को तकरीबन $30 इजाफी अदा करना पड़ रहा था, क्योंकि फ्लाइट टाइम डबल से ज्यादा हो चुका था। आज तक इतना ही काफी है दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।